लास्ट वीडियो में हमने डे 34 और डे 35 उसकी एक्सरसाइज देखी थी। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम डे 35 और डे 36 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज शोन इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि इसके सॉल्व क्वेश्चन हमने दिए तो आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द, क्या आता है, कॉर्ड आता है, इसका आंसर बी है। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। इन अ सर्कल विथ सेंटर पी, एक सर्कल है उसका सेंटर पी है, कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये ए बी है कॉर्ड, ये टोटल कितनी है 15 सेंटीमीटर है। सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, फाइंड लेंथ ऑफ क्यू बी, लेंथ ऑफ क्यू बी। तो देखो स्टूडेंट, सेगमेंट ए क्यू इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर्म सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो बाइसेक्ट होता है, ये थ्योरम है शोन। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा निकाल रहा हूँ कॉर्ड पे, तो कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो देयर फॉर लेंथ ऑफ बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी 15 है तो 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, देयर फॉर लेंथ ऑफ बी क्यू इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लो शोन, क्या दिया है, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द कॉर्ड इज लेंथ 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये डायग्राम है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो स्टूडेंट्स तो आपको पीसी मिल जाएगा, पीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयर फॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इन द एडजॉइंट फिगर इन अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड कॉर्ड डी, सेगमेंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन सी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सेगमेंट डी सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देखो इसमें सेगमेंट डी सी क्या है, रेडियस सर्कल की है, डायमीटर 2 times रेडियस होता है, डायमीटर मुझे कितना दिया है स्टूडेंट्स फाइंड करना है, डायमीटर कितना दिया है 20 दिया है, तो ये 2 इधर शिफ्ट किया मैंने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 इक्वल टू 2R, तो 20/2 यानी रेडियस, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी देखो इन ट्रायंगल सी एफ डी सेगमेंट ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ, रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर्म सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसके बाद देखो सेगमेंट डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आता है, हाफ ऑफ सेगमेंट डी, तो डी 16 है स्टूडेंट, तो डे बाय डी एफ कितना आएगा 8 आएगा। नाउ एंगल सी एफ डी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्टूडेंट आप सी एफ की वैल्यू फाइंड करते हो, कर सकते हो, सी एफ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वेयर रूट, इसका स्क्वेयर रूट लेने के बाद आपको सी एफ मिल गया, देयर फॉर सी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सी एफ ही हमको पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट डे 36 में देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ ए बाय बी इक्वल टू, टॉपिक है स्टूडेंट इसका 36 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, इसका एक्सरसाइज ही देख लो, इफ ए बाय बी इक्वल टू 3/D, इफ ए बाय बी इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बाय ए। तो गिवन क्या दिया है स्टूडेंट, मुझे फाइंड के क्वेश्चन में गिवन रहता है, इफ करके रहता है, वो गिवन रहता है, तो ए बाई बी इक्वल टू 3/2 ये गिवन दिया है। तो देखो यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, कैसे आएगा ये, अगर मैं बी को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये डिवाइड में इधर शिफ्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या मिल गई, देखो बी इधर शिफ्ट किया था ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3/2 बी, ये वैल्यू स्टूडेंट्स ये वैल्यू को जैसे अभी फाइंड मुझे ए बाई बी फाइंड करना है तो इसमें पुट कर लो, ए बाई बी में ए की वैल्यू क्या है 3/2 बी, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो आपको ये b बाय ए क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बी बी तो कैंसिल हो गया, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, रीजन बाय इनवर्टेंडो। उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस बी बाय बी,
तो ए बाई बी इक्वल टू 3/2 है। तो स्टूडेंट्स फाइंड मुझे क्या करना है, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से मैं बी ए की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी इधर शिफ्ट कर लो, बी की वैल्यू क्या आएंगी 3b/2। तो ए के जगह 3b/2 पुट कर लो स्टूडेंट और सॉल्व कर लो, तो मुझे ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बाय बी इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो ए बाय बी इक्वल टू 3/t गिवन दिया है, मैं इस b को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिलेंगी 3/3b/2। ये a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट करने के बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे 3b-2b/2b, 3b-2b/b/2b कैंसिल, तो a-b/b क्या मिल गया मुझे 1/2 मिल गया। वैसे ही स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो इसका या लिख सकते हो पॉज करके। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a+2b। यहाँ पे भी वैसे ही स्टूडेंट बी को इधर शिफ्ट कर लो तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 5/2, ये मिल गई ए की वैल्यू, ए इक्वल टू 5/2/2। ये वैल्यू बस यहाँ पे इस ए के जगह पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना, इसी मेथड है। इसका आंसर कितना आ रहा है 19/11 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं इस y को इधर साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है 7/3 इंटू न्यूमरेटर में इंटू y। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये आपको जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू पुट कर लो, तो इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे इसका आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट 55/43। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, आप स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप इसको अच्छे से लिख सकते हो स्टूडेंट। तो इसके साथ हमारा 36 और 36 की जो एक्सरसाइज थे स्टूडेंट वो ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 37 और डे 38 देखेंगे। थैंक यू।